नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेयर चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर आज नई वैकेंसी आई है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत चयन सेवा परीक्षा ली जा रही है 2020-21 की। ठीक है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा, है ना दोस्तों। इसके जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बता दी जाएगी आपको, लेकिन इसकी जो अभी हम वर्तमान में हमको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट है 22 जून, 22 जून के रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बाकी की जो जानकारी है मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ, आप जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल NHM के लिए जो पोस्ट टोटल निकली है वो कितनी निकली है, ठीक है, वो निकली है 2551 पोस्ट निकली है, आप देख सकते हैं। और पोस्ट किस किस के लिए निकली है और कितनी निकली है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल हमारी जो पोस्ट है वो कितनी है। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 2551 पोस्ट, ठीक, और उसमें जो अनारक्षित जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 689 पोस्ट हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए 255 पोस्ट है। अनुसूचित जाति SC के लिए 510 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति नहीं अनुसूचित जनजाति ST के लिए 510 पोस्ट है, और SC के लिए जो है वो है 408 पोस्ट, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 689 पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो निःशक्त जनों के लिए जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है OH के अंतर्गत 153 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और ये नोटिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट बात यह भी कही गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पर 27% पदों में माननीय न्यायालयीन प्रकरण व अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार 13% पद सुरक्षित रखे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है ना, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद कितने, 332 पद, जो न्यायालयीन निर्णय के उपरांत उस वर्ग के भर्ती प्रक्रिया के उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जाएगी। ओके, और इस चीज़ के बारे में, मतलब कि इस वैकेंसी के बारे में आपको और इम्पोर्टेंट जानकारी, इम्पोर्टेंट क्या, इसमें मतलब कि परीक्षा, लिखित परीक्षा कब होगी हमारी, ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब आएगा इसका, ठीक है, हॉल टिकट कब आएगी, आप इस वेबसाइट से जा कर के देख सकते हैं www.nhmmp.government.in, या फिर इससे भी देख सकते हैं आप www.sems.co.in, इसे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 1 जून से चालू हो गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 जून से स्टार्ट हो गई है और 22 जून तक इसकी लास्ट डेट है, कब तक है 22 जून तक आप जाके इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात रही इसकी शैक्षणिक योग्यता की कि क्या चाहिए, तो वो चाहिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या हायर सेकेंडरी या 11वीं उत्तीर्ण हायर सेकेंडरी 10 धन, मतलब 12वीं शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, यह यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है शासकीय अशासकीय महिला भर्ती से कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से ANM का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि इसमें बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना सबसे जरूरी है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अगर से बिना सेल्फ अटेस्टेड के करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या चाहिए अपने को, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की मार्कशीट चाहिए, हायर सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट होगी, ठीक है, और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु शासकीय अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से ANM का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण का उत्तीर्ण सर्टिफिकेट चाहिए अपने को। ओके, इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए। इसकी जो एज होगी वो होगी 21 वर्ष से 40 वर्ष, और इसकी जो काउंटिंग होगी एज की वो होगी 1 जनवरी 2021 से इसकी काउंटिंग होगी।
बात रही कि इसमें सैलरी कितनी होगी, तो चयन के बाद उम्मीदवार को संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह 12,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। ठीक है, कितनी सैलरी होगी उनकी? 12,000 रुपये प्रति माह वेतन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो हमारे एमपी के रहने वाले हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो आप इस प्रकार से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 जून इसकी लास्ट डेट होगी। इसमें नोटिफिकेशन में और इस प्रकार से दिया गया है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार से होंगे, मतलब कि जो जनरल होंगे उसके लिए 40% अगर से उसके मार्क्स आते हैं तो वो उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, और OBC के लिए 35% होंगे, SC के लिए 30% होंगे, SC ST के लिए। ओके, ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये और आगे भी दिया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। ओके, ये आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमको अप्लाई करना है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। ओके, अन्य निर्देश एवं दिशा निर्देश होंगे ये 10वीं। हाँ, चयनित उम्मीदवारों के लिए चयन के मतलब सिलेक्शन होने के बाद की प्रोसेस है ये। 10वीं एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किए गए पाठ्यक्रम की वार्षिक सेमेस्टर वार मार्कशीट वो लगेगी। नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लगेगी। फोटो के बाद में मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ओके, ये और भी लगेगा, नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र लगेगा। प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार। दोस्तों, और इसमें जो परीक्षा केंद्रम और जो परीक्षा मतलब जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं उसके लिए जो आप शहर चूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्या? भोपाल इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, है ना, भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर रीवा उज्जैन, इस प्रकार से आप इसमें चयन कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे, मतलब जहाँ पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, सुविधा हो आपको, वहाँ पर जाके दे सकते हैं। और एक कार्यदायित्व हो गई कि आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा, लास्ट में नोटिफिकेशन में वही दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका कि आपके क्या क्या कार्य होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि है ना, आप समझ गए होंगे कि क्या है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के जो वैकेंसी निकली है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, 2551 पोस्ट है। आप जाके इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर से आपको वीडियो पसंद आए, ऐसी ही किसी भी प्रकार की वैकेंसी जब भी आती है हमारे MP की हो या अदर स्टेट की हो, आपको इस चैनल पर में उपलब्ध हो जाएगी। आप इसी प्रकार से कोई भी वैकेंसी की डिटेल्स जानने के लिए या जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही नोटिफिकेशन अगर से आपको करंट में चाहिए, तुरंत चाहिए, जैसे वीडियो आता है चाहिए, उसके लिए आपको बेल आइकन की बटन को दबाना होगा। धन्यवाद।